यिर्मयाह भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 23। यिर्मयाह 23। यहोवा की यह वाणी है, उन चरवाहों पर हाय जो मेरी चराई की भेड़ बकरियों को तितर बितर करते और नाश करते हैं। इस्राएल का परमेश्वर यहोवा अपनी प्रजा के चरवाहों से यो कहता है कि तुमने जो मेरी भेड़ बकरियों की सुधी नहीं ली, वरन उनको तितर बितर किया और बरबस निकाल दिया। इस कारण यहोवा की यह वाणी है कि मैं तुम्हारे बुरे कामों का दंड दूंगा और मेरी जो भेड़ बकरियां बची है उनको मैं उन सब देशों में से जिनमें मैंने उन्हें बरबस कर दिया है स्वयं ही उन्हें लौटा लाकर उन्हीं की भेड़शाला में इकट्ठी करूंगा और वे फिर फूले फलेंगी और मैं उनके लिए ऐसे चरवाहे नियुक्त करूंगा जो उन्हें चराएंगे और तब वे फिर न तो डरेंगी न विस्मित होंगी और न उनमें से कोई खो जाएगी। यहोवा की यह वाणी है। यहोवा की यह भी वाणी है कि देख ऐसे दिन आते हैं कि मैं दाऊद के कुल में एक धर्मी पल्लव को उगाऊंगा और वह राजा बनकर बुद्धि से काम करेगा और बुद्धि से राज्य करेगा और अपने देश में न्याय और धर्म से प्रभुता करेगा। उसके दिनों में यहूदी लोग बचे रहेंगे और इस्राएली लोग निडर बसे रहेंगे और यहोवा उसका नाम हमारी धार्मिकता रखेगा। सो देख यहोवा की यह वाणी है कि ऐसे दिन आएंगे जिसमें लोग फिर न कहेंगे कि यहोवा जो हम इस्राएलियों को मिस्र देश से छुड़ा ले आया उसके जीवन की सौगंध से वे यही कहेंगे कि यहोवा जो हम इस्राएलियों के घराने को उत्तर देश से और उन सब देशों से भी जहां उसने हमें बरबस निकाल दिया छुड़ा ले आया उसके जीवन की सौगंध वे अपने ही देश में बसे रहेंगे। भविष्यवक्ताओं के विषय मेरा हृदय भीतर ही भीतर फटा जाता है, मेरी सब हड्डियां थरथराती है। यहोवा ने जो पवित्र वचन कहे हैं उन्हें सुनकर मैं ऐसे मनुष्य के समान हो गया हूं जो दाख मधु के नशे में चूर हो गया हो, क्योंकि यह देश व्यभिचारियों से भरा है, इस पर ऐसा शाप पड़ा है कि यह विलाप कर रहा है। पन की चराई भी सूख गई और लोग बड़ी दौड़ तो दौड़ते हैं परंतु बुराई ही की ओर और वीरता तो करते हैं परंतु अन्याय ही के साथ, क्योंकि भविष्यवक्ता और याजक दोनों भक्तिहीन हो गए हैं। अपने भवन में भी मैंने उनकी बुराई पाई है। यहोवा की यही वाणी है। इस कारण उनका मार्ग अंधेरा और फिसलौठा होगा जिसमें वे ढकेल कर गिरा दिए जाएंगे। और यहोवा की यह वाणी है कि मैं उनके दंड के वर्ष में उन पर विपत्ति डालूंगा। शोमरोन के भविष्यवक्ताओं में तो मैंने यह मूर्खता देखी थी कि वे बाल नामक देवता के नाम से भविष्यवाणी करते थे और मेरी प्रजा इस्राएल को भटका देते थे, परंतु यरूशलेम के नबियों में मैंने ऐसे काम देखे हैं जिनसे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, अर्थात व्यभिचार और पाखंड, और वे कुकर्मियों को ऐसा हियाव बांधते हैं कि वे अपनी अपनी बुराई से पश्चाताप भी नहीं करते। सब निवासी मेरी दृष्टि में सदोमियों और अमोरियों के समान हो गए हैं। इस कारण सेनाओं का यहोवा यरूशलेम के भविष्यवक्ताओं के विषय में यो कहता है कि देख मैं उनको कड़ुवी वस्तु खिलाऊंगा और विष पिलाऊंगा, क्योंकि उनके कारण सारे देश में भक्तिहीनता फैल गई है। सेनाओं के यहोवा ने तुमसे यो कहा है कि इन भविष्यवक्ताओं की बातों की ओर जो तुमसे भविष्यवाणी करते हैं कान मत लगाओ, क्योंकि ये तुमको व्यर्थ बातें सिखाते हैं। ये दर्शन का दावा करके यहोवा के मुख की नहीं अपने ही मन की बातें कहते हैं। जो लोग मेरा तिरस्कार करते हैं उनसे ये भविष्यवक्ता सदा कहते रहते हैं कि यहोवा कहता है कि तुम्हारा कल्याण होगा, और जितने लोग अपने हठी पर चलते हैं उनसे ये कहते हैं कि तुम पर कोई विपत्ति न पड़ेगी। भला कौन यहोवा की गुप्त सभा में खड़ा होकर उसका वचन सुनने और समझने पाया है? वा किसने ध्यान देकर मेरा वचन सुना है? देखो
यहोवा की जलजलाहट का प्रचंड बवंडर और आंधी चलने लगी है और उसका झोंका दुष्टों के सिर पर जोर से लगेगा और जब तक यहोवा का काम और अपनी युक्तियों को वो पूरा न कर चुके तब तक उसका क्रोध शांत न होगा। अंत के दिनों में तुम इस बात को भलीभांति समझ सकोगे। ये भविष्यवक्ता बिना मेरे भेजे दौड़ जाते और बिना मेरे कुछ कहे भविष्यवाणी करने लगते हैं, और यदि ये मेरी गुप्त सभा में खड़े होते तो मेरी प्रजा के लोगों को मेरे वचन सुनाते और वे अपनी बुरी चाल और कामों से फिर जाते। यहोवा की यह वाणी है कि मैं ऐसा परमेश्वर हूं जो दूर नहीं निकट ही रहता हूं। फिर यहोवा की यह वाणी है कि क्या कोई ऐसे गुप्त स्थानों में छिप सकता है कि मैं उसे न देख सकूं? क्या स्वर्ग और पृथ्वी दोनों मुझसे परिपूर्ण नहीं है? मैंने इन भविष्यवक्ताओं की भी बातें सुनी है जो मेरे नाम से यह कहकर झूठी भविष्यवाणी करते हैं कि मैंने स्वप्न देखा है। स्वप्न जो भविष्यवक्ता झूठ मूठ भविष्यवाणी करते और अपने छली मन ही से भविष्यवक्ता है, इनके मन में यह बात कब तक समाई रहेगी? जैसे मेरी प्रजा के लोगों के पुरखा मेरा नाम भूलकर बाल नामक देवता का नाम लेने लगे थे, वैसे ही अब ये भविष्यवक्ता उनसे अपने अपने स्वप्न बता बताकर मेरा नाम भुलाना चाहते हैं। जिस किसी भविष्यवक्ता ने स्वप्न देखा हो तो वह उसे बताए, और जिस किसी ने मेरा वचन सुना हो तो वह मेरा वचन सच्चाई से सुनाए। यहोवा की यह वाणी है कि कहां भूसा और कहां गेहूं? यहोवा की यह भी वाणी है कि क्या मेरा वचन आग सा नहीं है? फिर क्या वह ऐसा हथौड़ा नहीं जो पत्थर को फोड़ डाले? यहोवा की यह वाणी है कि देखो, जो भविष्यवक्ता मेरे वचन औरों से चुरा चुरा कर बोलते हैं उनके मैं विरुद्ध हूं। फिर यहोवा की यह भी वाणी है कि जो भविष्यवक्ता उसकी यह वाणी है ऐसी झूठी वाणी कहकर अपनी अपनी जीभ दुलाते हैं उनके भी मैं विरुद्ध हूं। फिर यहोवा की यह भी वाणी है कि जो बिना मेरे भेजे व बिना मेरी आज्ञा पाए स्वप्न देखने का झूठा दावा करके भविष्यवाणी करते हैं और उनका वर्णन करके मेरी प्रजा को झूठे घमंड में आकर भरमाते हैं उनके भी मैं विरुद्ध हूं, और उनसे मेरी प्रजा के लोगों का कुछ भी लाभ न होगा। यदि साधारण लोगों में से कोई जन व कोई भविष्यवक्ता व याजक तुझसे पूछे कि यहोवा ने क्या प्रभावशाली वचन कहा है, तो उससे कहना कि क्या प्रभावशाली वचन? यहोवा की यह वाणी है कि मैं तुमको त्याग दूंगा, और जो भविष्यवक्ता व याजक व साधारण मनुष्य यहोवा का कहा हुआ भारी वचन ऐसा कहता रहे उसको घराने समेत मैं दंड दूंगा। सो तुम लोग एक दूसरे से और अपने अपने भाई से यो पूछना कि यहोवा ने क्या उत्तर दिया व यहोवा ने क्या कहा है। यहोवा का कहा हुआ भारी वचन इस प्रकार तुम भविष्यवाणी में न कहना, नहीं तो तुम्हारा ऐसा कहना ही दंड का कारण हो जाएगा, क्योंकि हमारा परमेश्वर सेनाओं का यहोवा जो जीवित परमेश्वर है उसके काम तुम लोगों में बिगाड़ दिए हैं। तू भविष्यवक्ताओं से यो पूछ कि यहोवा ने तुझे क्या उत्तर दिया व यहोवा ने क्या कहा है। यदि तुम यहोवा का कहा हुआ प्रभावशाली वचन इसी प्रकार कहोगे तो यहोवा का यह वचन सुनो कि मैंने तो तुम्हारे पास कहला भेजा है कि यहोवा का कहा हुआ प्रभावशाली वचन ऐसा भविष्यवाणी में न कहना, परंतु तुम यह कहते ही रहते हो कि यहोवा का कहा हुआ प्रभावशाली वचन। इस कारण देखो, मैं तुमको बिल्कुल भूल जाऊंगा और तुमको और इस नगर को जिसे मैंने तुम्हारे पुरखाओं को और तुमको भी दिया है त्याग कर अपने सामने से दूर कर दूंगा, और मैं ऐसा करूंगा कि तुम्हारी नामधराई और अनादर सदा बना रहेगा और कभी भूला न जाएगा।